नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब से आंदोलन किसान आंदोलन चल रहा है तब से एक नाम कुछ ज़्यादा ही उभर के आया हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि जब भी आप लोग कहीं भी यूट्यूब हो, सोशल मीडिया साइट कोई भी हो, या फिर आप लोग न्यूज़ चैनल्स हों, या फिर आप समझिए आपकी अखबार हो, तो आप लोगों को सबसे पहले राकेश टिकैत का नाम जरूर सुनाई देता होगा। और आप समझ सकते हैं इनके बारे में कई झूठी खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, ऐसा है वैसा है। तो मुझे लगा है कि इनके बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि एक अच्छे नेता भी, किसान नेता भी हैं। और किसानों का आंदोलन आपने देखा होगा कि किस तरह से ख़त्म किया जा रहा था। और 26 जनवरी की घटना के बाद आपने देखा कि इनके आंसुओं ने एक तरह से उस किसान आंदोलन को नई दिशा दी हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये आंसू आना स्वाभाविक सी बात थी, कि आप समझिए कि आप लोग इतनी मेहनत करके कहीं पहुंच जाते हैं और कोई आपको किसी आपकी एक छोटी सी गलती, और उसमें आपकी भी गलती ना हो, किसी और की गलती से आपको अगर कोई हरा दे, आपको ढकेल दे, तो आप समझ सकते हैं कितना दुख होता है। मुझे लगता है कि उस व्यक्ति से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, कि आप समझिए कितना, मतलब एक शांति पूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा था और पूरी साजिश रची गई। और आपने देखा है कि किस तरह से, आपने देखा है कि किसान आंदोलन को बदनाम किया गया। पहले आपने देखा है आतंकवादी, फिर पता नहीं माओवादी, फिर कनाडा पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या नाम लगा, झूठे एक तरह से इनके नाम रखे गए। फिर भी आपने देखा है कि कुछ नहीं उखड़ा, तो इन्होंने 26 जनवरी की घटना एक तरह से अंजाम दिलवाया, ऐसे एक तरह से आप यही कह सकते हैं। ठीक है, और देखिए मेरा, देखिए क्लियर है कि किसानों के बिना हम लोग एक पल भी नहीं जी सकते हैं। आप समझ रहे हैं, इन नेताओं के बिना शायद हो सकता है कि हम कोई फर्क ना पड़े, लेकिन अगर नेता, अगर आप समझिए कि किसान अगर फसल उगाना बंद कर दें, तो मुझे लगता है कि आपका और हम जानते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। और कई मांगें इनकी देखिए जायज भी लग रही हैं। आप समझिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात आप लोग खुद देख लीजिए, कम से कम किसान की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि गेहूं आपके क्षेत्र में कई जगह सरकारी रेट अगर 2000 रुपये है क्विंटल, तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो बिचौलिया होता है, जो सेठ होता है, जो व्यापारी होता है, वो 1500-1400 रुपये में खरीदता है। तो ये आंदोलन एक अच्छा भी चल रहा है एक तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, कि कम से कम कानूनी, एक तरह से कानून तो होना चाहिए कि अगर 2000 रुपये से कम क्विंटल में अगर कोई गेहूँ खरीदता है तो उस पर कानूनी दंड लगेगा और उसे आप समझ सकते हैं कि सज़ा भी होगी। तो इससे क्या रहेगा कि किसानों की स्थिति सुधर सकती है। और आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है, और अभी अब आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, और आप आए दिन सुनते रहते हैं कि यहाँ किसानों ने सुसाइड किया हुआ है। क्योंकि एक किसान की स्थिति आप समझिए जितनी भयानक होती है, मुझे नहीं लगता है किसी फील्ड में इतनी भयानक आपदाएं आती होंगी। कभी आप देखते हैं बरसात नहीं होती है, कभी आप देखते हैं कि एक तरह से आप समझिए कि फसल बर्बाद हो जाती है, कोई आपदा आ जाती है। समझ रहे हैं कितनी मेहनत का काम होता है, फिर अगर अच्छे से रेट ना मिले तो मुझे लगता है ये दुख की बात है। और आप समझ सकते हैं कि सरकार को कुछ तो बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए, क्योंकि मानता हूँ कि इस कानून में आप समझिए कि फ़ायदे हैं, लेकिन उन कानूनों का अगर सही से पालन किया जाए तभी फायदे हैं। अब आप ही सोच लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करवाई जाती है, मान लीजिए कि अंग्रेज़ों जैसा हाल हुआ तो क्या होगा, कि अंग्रेज़ों ने आपने देखा है कि नील की खेती का कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आपने देखा कि सही रेट नहीं दिए गए। मान लीजिए कि आपसे यहाँ एक बात और हमें अच्छी लगी इनकी, कि इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि किसी व्यापारी ने आलू के दाम की इतने पर मतलब कह दिया कि मैं 10 रुपये किलो खरीदूँगा, ठीक है, और आपने किसान ने किसी ने आलू की बुआई कर दी, और आप समझिए कि बाजार में अधिक आलू आ जाते हैं और 2 से 3 रुपया किलो मिलते हैं आलू, तो ये व्यापारी क्या इन आलू को 10 रुपये में खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसे सस्ते मिल रहे होंगे। इसी की बताया जा रहा है कि इसी की लड़ाई है, आप समझ रहे हैं। खैर आप छोड़िए कि इसमें आप लोग रहने दीजिए, और मुझे लगता है कि आप लोग कभी भी किसानों का विरोध मत किया करिएगा, क्योंकि इनकी मेहनत बहुत बुरी, मतलब आप समझ सकते हैं बुरी स्थिति होती है इनकी। ठीक है, इन नेताओं का क्या, नेता तो आते जाते रहते हैं, और हमारे देश के नेताओं के बारे में आप समझिए कि जितनी बुराई की जाए उतनी कम है। आप कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू या आप लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अम्बेडकर से इनकी तुलना मत किया करिएगा। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि उस समय के नेताओं में और इस समय के नेताओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय के नेता ईमानदार हुआ करते थे, आपने जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा है, भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़ा है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपने पढ़ा होगा,
कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक कार खरीदी, उसका उन्होंने ब्याज, मतलब आप सोचिए कि जिस रेट पर उन्होंने वो कार खरीदी थी, अपने जीते जी उसका पूरा बैलेंस भी नहीं दे पाए, उसका मतलब एक तरह से पूरा पैसा भी चुकता नहीं कर पाए। समझ सकते हैं ऐसा भी हमारे देश में प्रधानमंत्री हुआ है, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति। फटी धोती पहनकर उन्होंने शपथ ली, और आज आप देखिए कि क्या प्रधानमंत्री। एक सरपंच को देख लीजिए आप लोग, कि एक बार सरपंच बनने के बाद वो अपने घर के सामने फॉर्चूनर खड़ी कर देता है, उसी का नतीजा देख भी रहे हैं आप लोग। गरीबी देख रहे हैं, अशिक्षा देख रहे हैं, स्वास्थ्य स्थिति देख रहे हैं, ठीक है। खैर छोड़िए, लेकिन राकेश टिकैत की देखिए ये है इनकी फोटो, देख लीजिए। और मुझे लगता है कि आप सभी ने देखी भी होगी, अब कोई नहीं होगा जिसने ना देखी हो। और आपको मालूम होना चाहिए कि राकेश टिकैत इनका पूरा नाम है। और इनके जन्म की अगर हम बात करें, राकेश टिकैत का जन्म 4 जून 1969 को हुआ था। कब? 4 जून 1969 को। और इनके पिता की बात करें तो महेंद्र सिंह टिकैत, एक आप लोग काफ़ी नाम सुनते हैं, और ये महेंद्र सिंह टिकैत वही हैं जो किसान नेता, बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं। और आप जिस समय, जिस तरह आप देख रहे हैं कि राकेश टिकैत इन किसानों के, जो नकली किसान हैं, इनकी नाक में दम किए हुए हैं, इसी तरह महेंद्र सिंह टिकैत भी उस समय के जो एक तरह से धोखेबाज नेता थे, उनकी नाक में दम किए हुए थे। और मैं इनके बारे में काफ़ी पढ़ रहा था, तो आप समझिए कि केवल, आप समझिए, हर किसान के लिए खड़े रहते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी ईमानदारी का देखिए। अब मैंने जहाँ तक पढ़ा है बड़ा अच्छा लगा है। और महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में यही एक पॉइंट बता देता हूँ, ये भारतीय किसान यूनियन के, आप समझते हैं कि BKU के नेता भी रहे हैं महेंद्र सिंह टिकैत। और आपने जानते हैं कि 6 अक्टूबर 1933 को इनका जन्म हुआ था, और 15 मई 2011 को इनकी डेथ हो गई थी। तो ये आप लोग पॉइंट याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर इनके पिता की बात कर लिए, इनके जन्म स्थान की बात करें राकेश टिकैत की, तो उत्तर प्रदेश में जो सिसौली है ना, यहीं इनका जन्म हुआ था, और आप सुनते भी रहते हैं। इनका पेशा एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ठीक है। और राष्ट्रीयता की बात करें तो भारतीय हैं, आप सभी जानते हैं। इनका गृह नगर उत्तर प्रदेश लखनऊ है, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम अगर बात करें, इनकी बीवी का नाम बात करें, तो सुनीता देवी है। आप लोगों ने देखा होगा किसान आंदोलन में वो भी काफ़ी दिखाई दी हैं। और इनकी शादी हुई थी 1985 में, ठीक है। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने स्कूल DAV इंटर कॉलेज सिसौली गांव सिसौली से की थी, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं। कॉलेज की बात करें तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से इन्होंने आर्ट में स्नातकोत्तर, मतलब आप कह सकते हैं कि MA की हुई है। क्या? MA, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट। और बच्चे की बात करें तो इनके परिवार में आप देखेंगे इनके एक बेटा है, दो पुत्री हैं, इनका नाम है सीमा और ज्योति, ठीक है। बेटे का नाम चरण सिंह है, और पुत्री का नाम, दो पुत्री हैं इनकी, बेटी हैं जिनमें सीमा और ज्योति, ठीक है। और इनकी संपत्ति की बात करें तो आप समझिए कि दो बार इन्होंने चुनाव भी लड़ा है, तो उसमें इन्होंने संपत्ति बताई हुई है, राकेश टिकैत ने 4 करोड़ की संपत्ति बताई हुई है। लेकिन देखिए, जमीन जायदाद पूरा मिला के है, तो मैं कहीं और पढ़ा मैंने, तो इनकी जो संपत्ति है वो कुर्क कर दी गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्हें कई मुकदमे, इन्होंने किसानों के, एक तरह से किसानों के आंदोलन में कई मुकदमे हुए, कई बार ये जेल भी गए, 40 से ज़्यादा बार जेल गए, तो इनकी संपत्ति को कुरुक कर दिया सरकार ने। तो इनके पास अभी कह सकते हैं आप लोग कि एक तरह से पूरी संपत्ति कुरुक है, लेकिन खेती ये लोग करते हैं उस पर, ठीक है। और ये होता रहता है किसान आंदोलन, आप कोई भी आंदोलन करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप पर कई, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाती है, आपको जेल भी डाला जाता है। आप लोग इंदिरा गांधी के समय जाकर देख लीजिए आप लोग, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तो कई बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया था, ठीक है। वरना आप समझिए कि इंदिरा गांधी ने कई बड़े काम किए हुए थे, लेकिन एक काम की वजह से उनका नाम खराब हुआ था, वही राष्ट्रीय आपातकाल। इनके 4 भाई हैं, एक तो आप जानते हैं कि नरेश टिकैत, जो भारतीय, जो इनका किसान यूनियन है, इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और सुरेंद्र टिकैत और नरेंद्र टिकैत, ये 4 भाई हैं इनके, मतलब एक खुद इन्हें मिलाकर टोटल 4 बेटे थे, किनके? महेंद्र सिंह टिकैत के, ठीक है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो देखिए 1992 के करीब ये दिल्ली पुलिस में आप देखेंगे, आपने सुना होगा 1993-94 में 92 में आपने एक आंदोलन सुना होगा जो दिल्ली में चलाया गया था, किसके द्वारा? इनके पिताजी के द्वारा, महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा।
और इस समय आप देखेंगे 1992 की बात है कि ये मतलब वहाँ एक तरह से पुलिस में थे, दिल्ली पुलिस में। तो ये सरकार की तरफ से इन पर दबाव डाला जा रहा था कि आप अपने पिता को समझाइए, इस आंदोलन को ख़त्म करिए। तो इन्होंने एक तरह से उसी समय दबाव को ना एक तरह से नकारते हुए अपने किसान आंदोलन का सपोर्ट किया और इन्होंने 1993-94 में नौकरी छोड़ दी थी पुलिस की। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि उन्होंने कई बार इसको माना भी है कि वो दिल्ली पुलिस में भी रहे हैं। जेल की बात करें तो 40 से अधिक बार ये जेल भी जा चुके हैं। और अभी अगर उस दिन ना आप समझ सकते ये रोए होते, इनकी आंखों में उस दिन आंसू ना आए होते, तो उस समय भी ये जेल में जाते। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी आप लोग याद रखना होगा। उसके बाद बता दूं कि ये दो बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब तो मैं देख रहा था कि इन्होंने कहा है कि अब कभी नहीं लड़ूंगा क्योंकि चुनाव बहुत ख़राब होता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि 2007 में खतौली से विधानसभा चुनाव लड़ा था और 2014 में अमरोहा लोकसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। ये भी आप लोग याद रखिए। लेकिन याद रखिए, इन दोनों चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, ये भी आप लोग याद रखिए। एक और आपको याद रखना चाहिए कि जो भारतीय किसान यूनियन है इनका संघ, उसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1978 में बना था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि सब पूरी कहानी एक तरह से हम लोग बात कर चुके हैं राकेश टिकैत के बारे में। और अभी आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, ये तो आप लोगों को आगे भी मालूम चलेगा। कई बार ये देखिए जेल भी गए हुए हैं। एक आपने देखा होगा कि एक तरह से कई बार आपने गन्ना को लेकर आंदोलन इन्होंने किया, गन्ना की रेट ना मिलने के कारण, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये भी आप लोग याद रखिए। और मुझे लगता है देखिए हमेशा आप लोग किसान की कम से कम दर्द को समझा करिएगा, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत का काम भी होता है और आप समझ सकते हैं और कितना दुख भी होता है इन नेताओं के, इन फर्जी नेताओं के बिना तो हम लोग जी सकते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन किसानों के बिना मुझे लगता है कि मुश्किल है क्योंकि वो उगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। और मुझे एक बात और इनमें अच्छी लगी कि उन्होंने कहा है कि मान लीजिए कि आप देखते हैं कि अभी आप लोग गेहूँ आप लोगों को 15 से 20 रुपये किलो मिल जाता है, और आप समझिए कि 20 रुपये किलो मान लीजिए मिल जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब ये किसी कंपनी के पास जाएगा और पैकेटिंग होकर आएगा, पैकेट में आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसका रेट 40 से 50 रुपये किलो हो सकता है। और इसको आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी आप लोग गेहूँ देख लीजिए, आटा देख लीजिए, 25-26 रुपये किलो मिल जाता है आराम से। अभी बाबा रामदेव का आप लोग आटा खरीद के देखिए या फिर और किसी भी कंपनी का आप लोग आटा खरीद के देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ज़रूर मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यही कहानी है राकेश टिकैत की। और भी बताइए किसी की अगर बात करनी है। वैसे हम लोग देखते हैं आपने सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी जो भी चर्चा में इतिहास में लोग रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। तो आपका एक बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में सभी की बायोग्राफी डली हुई है। और भी जो भी चर्चा में रहेंगे उन्हें पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। आप लोग भी बताया करिएगा कोई अगर ऐसा हो तो। ठीक है।